दिल्ली का तुगलकाबाद क्षेत्र इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। असल में तुगलकाबाद इलाके में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर को तोड़े जाने के बाद सारा विवाद छिड़ा है। यह बात 9 अगस्त की है, जब डीडीए ने पुलिस के साथ मिलकर रविदास मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया और तोड़फोड़ मचा दी। इसी को मद्देनजर रखते हुए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़े जाने से पूरे देश के बहुजनों को गहरी चोट पहुंची है। आजाद का कहना है कि यह मंदिर बहुजन समाज की ऐतिहासिक धरोहर था। इस मंदिर का निर्माण करीबन 600 साल पहले किया गया था। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि आज सरकार ने संत रविदास जी के मंदिर को गिराया है, तो कल क्या पता वो बुद्ध विहार को भी कब्जे में ले लें और इसके बाद अम्बेडकर पार्क पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिले। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार हमारा शक्ति परीक्षण कराना चाहती है, लेकिन हम भी उनको यह एहसास दिला देंगे कि बहुजन समाज में कितनी ताकत है। आंदोलन के मद्देनजर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पूरे देश के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से वे अनुरोध करते हैं कि अपने अस्तित्व और महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को बचाए रखने के लिए 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर सरकार को उसकी गलती का एहसास कराएं और दिखाएं कि बहुजन समाज में कितनी एकजुटता है। इसके साथ ही भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से 21 अगस्त को संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग के साथ साथ जमीन आवंटित किए जाने की बात भी रखी जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जंतर मंतर पर 21 अगस्त को होने वाला यह प्रदर्शन सरकार पर कितना दबाव बना पाता है। SPN9 न्यूज़ के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।